बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक्चुअली क्या है, अजय बहुत बढ़िया। एक्चुअली ये हमारे बहुत अच्छे प्रशंसक हैं, चाहने वाले हैं, आप ये कहिए। तो मैं आपसे इसलिए मिलवाया कि ये बेंगलोर से यहाँ पे खासकर मुझसे मिलने के लिए आए हैं और यूट्यूब देख करके ये सीखे, पढ़े और काम किए। तो ये अभी फिलहाल इंस्पेक्टर हैं, असिस्टेंट इंस्पेक्टर हैं ये, और ये बहुत ही भावुक हो गए मेरे से मिल करके। तो मैं सोचा कि इनको मिलाना चाहिए, हालांकि मिलने तो रोज़ ही दो चार आते हैं, लेकिन ख़ास जो होते हैं उनको आपसे मिलवाता हूँ। तो ये ख़ास उनमें से, तो ये मुझे शर्ट गिफ्ट कर रहे थे, तो मैं कहा कि आप शर्ट पैंट गिफ्ट ना करो, आप वह चीज़ दे दो जो बच्चे याद भी रखें और मिठाई भी खा लें। तो हमने इनको आपके सामने मिलाया, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, मैं एक दूँ आपको? हाँ कुछ बोलेंगे, कुछ जो है कुछ नहीं, कुछ बोलेंगे। एक्चुअली आपकी आवाज़, ये हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में भी, ये पूरा ऑल इंडिया ही नहीं ऑल वर्ल्ड में लाइव हो रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका सब जा रहा है और इंडिया में तो हो ही रहा है और ये बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं यहाँ पे, तो इसके साथ साथ पूरा दुनिया में लाइव हो रहा है। तो आपके साथ इतने बच्चे देखेंगे वो इंस्पायर्ड होंगे और जब तक माइक्स नहीं बोलेंगे वो सुनेगा नहीं। इसलिए हाँ लगाइए इसको, यस बोलिए, लग गया ना? हाँ लग गया, बोलते रहिए। बहुत बढ़िया, सभी को गुड आफ्टरनून। हाँ मेरा नाम ओमवीर सिंह है, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जॉब करता हूँ। तो मैं सर का वीडियो मैं आज से शायद दो ढाई साल पहले से मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ और मैं सर से कभी मिला नहीं था। तो ऐसे ही मेरे बहुत दिन से मन में थे कि सर से मिलूँगा तो जाके एक बारी जैसे कृष्ण और सुदामा मिले थे, खैर बहुत बहुत बड़ी बात है, उसके लायक तो खैर हम नहीं हैं। तो वैसे ही सर के प्रति मेरे मन में थोड़ा प्यार था कि सर से कब देखूँगा। तो अभी मैं छुट्टी आया हुआ था तो मेरा ऐसी बाइक जहाँ से जा रहा था तो मैंने कहा आज तो मिलता हूँ सर से। सर मैं सर को यहाँ बाइक रोकी, ऊपर आया तो मैं ऐसी बात कर रहा था तो फिर सर को देखा तो मैं बिना रुके ही एकदम दौड़ा चला गया सर के पास में, सर से मैं मिला और मैंने कहा सर मैं आपको छू सकता हूँ क्या एक बारी? तो हालांकि मैं कोई इतनी बड़ी पोस्ट पे नहीं हूँ, ऐसी नॉर्मली जॉब है, लेकिन जो भी कुछ है सर की देन है, क्योंकि हम तो मैं तो कुछ लायक ही नहीं है हम तो खैर। तो बाकी सर का तो मैं शब्दों में क्या नहीं बोल नहीं सकता मैं, बस इतना ही है कि जो कुछ है सर का मैसेज दिल से मेरे मिल गया सर को कि हाँ भाई जो प्यार है उनके लिए। तो मैं सर को सोच रहा था कि कुछ अच्छा सा गिफ्ट करूँ पर मुझे लगा कि सर मिल नहीं पाएंगे शायद क्योंकि सर का बिजी शेड्यूल रहता है, फिर भी सर मिले मेरे को, सर ने टाइम दिया मिलने के लिए। तो फिर सर ने बोला कि मैंने कहा सर मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ कुछ, तो सर बोले कि मेरे को मत दीजिए आप बच्चों को मिठाई दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, तो ये छोटा सा मिठाई है और आप सभी को यही बोलूँगा कि अच्छे से आप सभी पढ़ाई करें। लोग बोलते हैं भारत में बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी नहीं है, बच्चों में टैलेंट नहीं है, मेरा मानना है पर्सनल, अगर टैलेंट है तो उसके लिए काम की कोई कमी नहीं है। और कोचिंग बहुत होंगे दिल्ली में, लेकिन जो सर का जो बोलने का तरीका, समझाने का तरीका है, ऐसा लगता है जैसे कोई घर में हमारे पिताजी बड़े भाई समझा रहे हैं, ऐसा आम बिल्कुल ऐसे इतना, मतलब जो दिल में सीधे दिमाग में घुसती है चीज़, वो मैंने फील किया वो, तो वो चीज़ है जो मैं आपको पेश करा। थैंक यू सर, दो शब्द बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस तरह से आपने करा, देखो एक्चुअली क्या है ना कि सर आपके बहुत ही फैमिलियर हैं, बहुत ही नॉर्मल हैं, और आप ही नहीं जो बच्चे आते हैं सब कल्पना करते हैं कि पता नहीं सर क्या करेंगे, लेकिन मैं सबसे बहुत ही प्यार से मिलता हूँ। लड्डू, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, खाइए खाइए, सब लोग खाइए, बच्चों खिलाओ 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 बच्चों, सभी का सहयोग है। बच्चों खिला दीजिए, बहुत बहुत सुंदर, बहुत।